हेलो एवरीवन, मैं समीर कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग वीवो V9 की नोच डिस्प्ले को हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीवो V9 के नोच डिस्प्ले को हाइड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और इसके लिए चलते हैं हम लोग प्ले स्टोर में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग प्ले स्टोर में आ गए हैं और यहां पे सर्च करना होगा नोचो नोच। दोस्तों, ये रहा हम लोग का एप्लीकेशन जो कि फर्स्ट नंबर पर आ जाता है। आपको डाउनलोड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि मात्र 1.3 MB का है। और दोस्तों, ये इंस्टॉल हो भी गया, चलिए इसको ओपन करके इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। दोस्तों, इस ऐप को एक्टिवेट करने के बाद हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं और चलते हैं वीवो V9 के नोटिफिकेशन बार की तरफ। और दोस्तों, यहाँ पे स्क्रॉल करके मोर पे करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे नीचे दिख रहा है यहाँ पे नोचो नोच का, इसको ऊपर करके और इसके यहाँ पे ला देना है। और इसके बाद इसको भी कैंसिल कर देते हैं हम लोग। और अब दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वीवो V9 का नोच डिस्प्ले ऑन है। और अब चलते हैं इसके नोटिफिकेशन बार की तरफ और यहाँ पे इसको इनेबल कर देंगे तो ये देखिए नोच डिस्प्ले ऑफ हो गया। फिर इसको डिसेबल कर देंगे तो नोच डिस्प्ले ऑन हो गया। इसी प्रकार से आप वीवो V9 में नोच डिस्प्ले को हाइड कर सकते हैं और इस मेथड को आप ओप्पो F7 में भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए वीडियो को और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।